भाई बिल्कुल ठीक पढ़ाया अपने थंबनेल में। अच्छा इन दिस वीडियो आई गोना शो यू व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन यूएसबी टाइप सी एंड माइक्रो यूएसबी। अच्छा हमको सिखा रिया है? नहीं सिखा नहीं रिया, बता रिया हूँ। सो लेट वी टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग। सबसे पहले बात करते हैं डाटा स्पीड के बारे में। वाह भाई वाह, मौजी कर दी तेरी इंग्लिश, वाह कवि के क्या कहने, मौजी करती भाई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा स्पीड के बारे में कि यूएसबी टाइप सी में आपकी डेटा जो की स्पीड है वो कितनी मिलेगी और माइक्रो यूएसबी में कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएसबी टाइप सी के बारे में। तो यूएसबी टाइप सी में आपको जो डेटा स्पीड है वो मिलेगी 5 Gbps टू 10 Gbps। भाई मेरा दिमाग हिल गया ये सुन के। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और माइक्रो यूएसबी में केवल आपको 480 Mbps की स्पीड मिल सकती है। यहाँ पे जीबी की बात हो रही है और यहाँ पे एमबी की बात हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। एंड लेट वी टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग हूज नेम इज चार्जिंग स्पीड। अब ये यूएसबी टाइप सी क्या होता है कि जो चार्जिंग की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, मोर फ्लेक्सिबल एंड फास्टर। आपका 100 वॉट का लैपटॉप ये कुछ ही मिनट में चार्ज कर सकती है। और माइक्रो यूएसबी में क्या होता है कि लो फ्लेक्सिबल लो स्पीड ऑफ चार्जिंग, ये आपका लैपटॉप पहली तो चार्ज ही नहीं कर सकती। अच्छा अगर कर भी दिया तो 12 घंटे लगेंगे, करवा लो ठीक है, मेरा भी करवा देना। भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल। भाई मैंने आपकी इंग्लिश अपनी अम्मी जान को भी सुनाई। भाई उनको तो पसंद आ गई होगी। नहीं उनको भी पसंद नहीं आई। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड लेट वी टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग हूज नेम इज ड्यूरेबिलिटी। तो ये सीधी सी बात, रुक जा भाई, मतलब तो बता पहले। अच्छा सॉरी, इसका मतलब होता है ये कितने समय तक सामान टिकेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएसबी टाइप सी के बारे में। तो ये सीधी सी बात है कि जो ड्यूरेबिलिटी है वो टाइप सी की ही ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें आप मोबाइल में इसे आप किसी भी एंगल से लगा सकते हो। सीधी सी बात है, आपके पास होगी तो आपको पता होगा आप इसे उल्टा ऊपर नीचे कैसे भी लगा सकते हो। और ये फ्यूचर का एक हिस्सा है, ये फ्यूचर का बहुत बड़ा हिस्सा है। और माइक्रो यूएसबी में क्या होता है कि वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता, क्योंकि उसमें आप केवल एक ही एंगल से जो मोबाइल है उसे चार्ज कर सकते हो, यानी कि मोबाइल में आप एक ही एंगल से लगा सकते हो माइक्रो यूएसबी को। और यह जल्दी से खराब भी हो जाती है और ये आपका मोबाइल का जैक भी खराब कर सकती है। गाइस कितनी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि आपको यूएसबी टाइप सी पर ही ट्रांसफर होना चाहिए। बात तो सही है। अबे भाई हो गए हम तो। अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है, चलो ठीक है भाई। ये तो हमें पता चल गया कि आखिरी लाइन में कवि क्या कहना चाहता है। अब ये बताओ कि ये जो दोनों टाइप सी और माइक्रो यूएसबी है ये कितने में मिलेगी हमको। चलो ठीक है बताता हूँ। जब भाई आप इतनी फैसिलिटी ले ही रहे हो तो यूएसबी टाइप सी के आपको थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। नहीं देंगे मतलब? तो फिर अरे दे देंगे यार, तुमको दे देंगे। चलो अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है। यूएसबी टाइप सी का आपको देना पड़ेगा 300 से 400 रुपए के बीच में आपको इसकी जो केबल है वो मिल सकती है। नहीं मिली जाएगी यार, मिली जाएगी, ऐसी बात नहीं है, मिली जाएगी। और माइक्रो यूएसबी में क्या है कि इसमें आपको 150 से 200 रुपए के बीच में आपको ये केबल मिल जाएगी। ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ भाई मैं, चोर बाजार में ये 50-50 रुपए के भी मिलते हैं, मुझे पता है। ओरिजिनल आपको 100 से 150 रुपए की मिलेगी। आई थिंक मुझे लगता है आप खरीद सकते हो। भाई जो कवि आखिरी लाइन में कहना चाहता था उन्होंने कह दिया। सो टिल नेक्स्ट वन, जब तक के लिए बाय बाय।